नमस्कार दोस्तों, मैं सनी स्वागत करता हूं आपका आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं आज का बहुत ही प्यारा सेशन जो कि होने वाला है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के रूप में। सातवां प्रैक्टिस सेट आ चुका है, बहुत ही मल्टीपल वीडियोज आ चुकी हैं अभी तक। आप जाके प्ले लिस्ट में आपको हर वीडियोज आपको मिल जाएगा। आई होप कि आप लोगों को हर वीडियो अच्छी लगेगी और वो जो कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। तो मैं साथ साथ आपको बता दूँ कि बिल्कुल नए सिलेबस पर यहाँ पर मैं कंप्यूटर का और इलेक्ट्रिकल पार्ट में कवर करा रहा हूं। कंप्यूटर के जो नए सिलेबस पारित हुए हैं, जो नए सिलेबस अपडेट हुआ है, उसका पूरा क्वेश्चन मैं यहां पे लेकर आ रहा हूं आपके यूपीपीसीएल टीजी2 टारगेट 2020 के लिए बिल्कुल लाभदायक होगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि डीएमआरसी का जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनर का जो पेपर होने वाला है उसके लिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल पोर्शन है मित्रों, वो बिल्कुल आपके लिए हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ मैं आप ये डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर यूपीपीसीएल वैकेंसी कब तक आएगी और यूपीपीसीएल के लिए जानकारी बताइए, क्या ऐसे ही हम तैयारी करते रहें, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि निगेटिव थिंकिंग अपने माइंड में बिल्कुल लेके मत चलिए कि वैकेंसी नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं कि वैकेंसी बहुत ही जल्द आएगी। जैसा आपको पता है कि कहीं ना कहीं लिंक आप तो पता चला होगा कि टेंडर पास हुआ है, तो उसके बारे में भी मैं वीडियो जल्दी बना दूंगा। आई होप कि मैं आपको कल तक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा बिल्कुल निचोड़ उस जो आपका टेंडर वो पास हुआ है कि क्या है, उसका पूरा निचोड़ मैं आप तक लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ यहाँ पर। मैं जैसे आपको बताया कि यहाँ पर मैं कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल का पार्ट कवर करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का ज़्यादा मैं नहीं लेता हूं और चलता हूं मैं पार्ट वन पे। तो पार्ट वन में मैं बात करूंगा कंप्यूटर का, जैसा मैं आपको यहां पे डिस्कस किया कि कंप्यूटर के मतलब बिल्कुल अपडेटेड मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। तो यदि आपको वीडियो मित्रों अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी शेयर कर दीजिए मल्टीपल जो भी आपके पास ग्रुप हैं, स्टडी के जो भी ग्रुप हैं, आईटीआई के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास पहुंचा दो जो इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ मित्रों यदि आप चैनल पर नए हो पूरा वीडियो देखिएगा, इस पूरे वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, हर क्वेश्चन को देखिएगा, बिल्कुल हेल्पफुल होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हो, वीडियो अच्छी लगती है तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से लिनक्स का तत्व नहीं है, लिनक्स एलिमेंट भाई इनमें से कौन सा नहीं है, आपको राइट आंसर बताना है। कर्नेल है ऑप्शन, सेल है, डायरेक्टरी है, फाइल सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन देखिए आया हुआ था 2016 में यूपीपीसीएल में क्वेश्चन ये बिल्कुल आया हुआ था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों तो नंबर सी क्या हो जाएगा, डायरेक्टरी। नंबर सी क्या हो जाएगा, डायरेक्टरी जो है लिनक्स का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्टरी नहीं है, और जो ये तीनों हैं कर्नेल, सेल और फाइल सिस्टम, ये क्या है, लिनक्स के एलिमेंट है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि डॉक्यूमेंट विंडोज में क्लोज बटन कहाँ स्थित होता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ये पूछा है कि डॉक्यूमेंट विंडोज में क्लोज बटन कहाँ स्थित होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं, यहाँ पे कुछ आपके ऑप्शन दिए हैं, यहाँ से आपको राइट आंसर चूज करना है। तो लिखा है कि टाइटल बार, टूल बार, मेन्यू बार और स्टेटस बार, ठीक है। टाइटल बार में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, टूल बार्स में भी होते हैं, मेन्यू बार्स में भी होते हैं और स्टेटस बार भी में भी होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट विंडोज़ में क्लोज बटन कहाँ स्थित होता है, ठीक है। तो नंबर आपका टू क्वेश्चन है, इसका दी राइट आंसर की बात करेंगे तो नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, क्या, टाइटल बार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि कंप्यूटर विंडोज़ पर खुले मेन्यू से बिना किसी कमांड को सेलेक्ट किए बाहर आने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर डे आप यूज करते होगे। तो यहाँ पे यदि राइट आंसर की बात करें, देखिए चार ऑप्शन है, होम है, डिलीट है, ESC है और इंड है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि बात करेंगे राइट आंसर का तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ESC, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग डैश में होता है। भाई ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें से जो चार ऑप्शन है उसमें से किसमें होता है भाई, एटीएम कार्ड में होता है, स्मार्ट कार्ड में होता है, कंप्यूटर सिस्टम में होता है, माइक्रोवेव ओवन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर सी हो जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। साथ ही साथ यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। यदि कोई आपका कमेंट है, कोई सुझाव है, यदि कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मल्टीपल जो कमेंट आ रहे हैं वो इसी पे आ रहे हैं कि UPPCL की वैकेंसी कब तक आएगी। तो मित्रों मैं आपके लिए कल इस पर भी वीडियो बना के आपको तक पहुँचा दूंगा। जो भी निचोड़ है वैकेंसी से लेके मैं पूरा आप तक प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्तावेज में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस कार्य करता है, फ्लाई, विगल, जंप और स्क्रॉल। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैं बताऊं क्या यहां पर राइट आंसर क्या होगा, नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि आजकल सबसे लोकप्रिय कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग में है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम भाई उपयोग में आ रहा है इस वक्त, लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एंड मैग्निटोस। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर सी होगा, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कट कमांड सूचना या डेटा को कहाँ सेव करती है। क्वेश्चन को देखिए, समझने की जरूरत है, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं। तो देखिए कि कट कमांड सूचना या डेटा को कहाँ सेव करती है भाई, प्रिंटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डेस्कटॉप और क्लिपबोर्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर डी हो जाएगा, क्लिपबोर्ड में सेव करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, लोगो कहते हैं, पॉइंटर कहते हैं, कर्सर कहते हैं और माउस कहते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है और टिक लगा दीजिए। ठीक है, तो यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कर्सर होता है भाई, नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से जो भी चार ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यूनिक्स है, एमएस डॉस है, पास्कल है और विंडोज एक्सपी है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा राइट आंसर भाई, दिस इज द राइट आंसर, नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, पास्कल। ठीक है, दिस इज नॉट अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उपग्रहों के संचालन में प्रायः किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है कि सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि रेधात, उबंतु एंड क्रोमियम इत्यादि किसके उदाहरण हैं भाई। ये विंडोज आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड मैक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, यहाँ पे आपको बिल्कुल आराम से यहाँ पे आंसर देना है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, लिनक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलिए नंबर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपके सामने कि डैश एक छोटा सा ग्राफिक चित्र है जो किसी भी प्रोग्राम के क्रियान्वयन मतलब वर्किंग का प्रतिनिधित्व करता है। क्या होगा भाई, यहाँ पे आइकन, माइक, कंप्यूटर, टास्क बार और कमांड, चार में से ऑप्शन आपको राइट आंसर बताना है। यदि राइट आंसर की बात करते हैं जल्दी से तो राइट आंसर क्या होगा, नंबर ए आपका राइट आंसर होगा मित्र, क्या, आइकन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम किस संस्थान का उत्पादक है। ठीक है, ये जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई, किस संस्थान, किस इंस्टीट्यूट का जो प्रोडक्ट है, ये क्वेश्चन है आपका, एप्पल का है, एचपी का है, माइक्रोसॉफ्ट का है और आईबीएम का है। ठीक है, तो यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा, नंबर सी होगा, माइक्रोसॉफ्ट का है, नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से
कौन आपको सिस्टम की सेटिंग को देखने तथा बदलने की सुविधा प्रदान करता है? माई कंप्यूटर, विंडोज एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल और रिसाइकल बिन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत यहाँ पे आपको पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, कंट्रोल पैनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन्स होते हैं? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने कंट्रोल बटन्स होते हैं? तो तीन होते हैं, चार होते हैं, पांच होते हैं और दो होते हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे दी राइट आंसर की बात करेंगे जल्दी से तो क्या होगा, तीन होते हैं भाई, नंबर ए आपका राइट आंसर होगा कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल बटन्स कितने होते हैं भाई, थ्री होते हैं। ठीक है, नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पार्ट टू की बात करेंगे जो कि होगा आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट का, जो कि आपके डीएमआरसी, ठीक है, डीएमआरसी इलेक्ट्रिकल मेंटेनर के साथ ही साथ यूपीपीसीएल, जी हाँ यूपीपीसीएल टीजी टू के लिए या लाइनमैन के लिए बिल्कुल बिल्कुल हेल्पफुल होने वाला है। ऐसे आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि तीन प्रतिरोध हैं भाई, R1, R2 एंड R3, जो कि पैरेलल में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं, पैरेलल में जुड़े हैं। तो R1 इज ग्रेटर देन R2 और R2 इज ग्रेटर देन R3 का ये कंडीशन है यदि एक अतिरिक्त प्रतिरोध क्या हो जाए, इसके समांतर में क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो कुल इक्विवेलेंट जो मतलब कुल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब टोटल रेजिस्टेंस पूछ रहा है, प्रतिरोध कितना होगा। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की जरूरत है, कहने का यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि R1, R2, R3 भाई किसमें हैं, तीनों जो हैं वो पैरेलल में एक साथ कनेक्ट हैं। ठीक है, तीनों पैरेलल में कनेक्ट हैं और साथ ही साथ क्या है, R1 इज ग्रेटर देन R2, ये जो R1 है इस R2 से ग्रेटर देन है और ये जो R2 है इस R3 से ग्रेटर देन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि R4 है, इसके समांतर में जोड़ दिया जाए, एक एक्स्ट्रा जो रेजिस्टेंस है इसके साथ से पैरेलल में क्या कर दिया जाए, उसको जोड़ दिया जाए, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन हम देखते हैं क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3 से अधिक होगा। ठीक है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 अपॉन 4 होगा, R3 से कम होगा या R3 से अधिक होगा। देखिए बात को यहां पे समझने की जरूरत है, पैरेलल कनेक्शन की बात हो रही है तो उसका क्या है, यहां पे जो दिया राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका सी होगा। कैसे होगा कि यहाँ पे जो कंडीशन है कि R3 कम होगा, इसलिए कि क्योंकि जो पैरेलल क्रम में जुड़े प्रतिरोध का जो तुल्य रेजिस्टेंस होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी क्या होता है, वो कम होता है। तो इसमें भाई सबसे कम वाली मान जो क्या थी, वो क्या है, R3 की थी, तो R3 से भी कम होगा, मतलब नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, तो बिल्कुल लाइक करते रहिएगा, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ, क्योंकि उनका भी हेल्प होता रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक प्रतिरोध में रंगों के बैंड का क्रम ब्राउन है, ब्लैक है और ग्रीन है और सुनहरा है, तो प्रतिरोध का मान कितना होगा, उस प्रतिरोध का रेजिस्टेंस का मान कितना होगा भाई साहब, इसको यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि कलर कोडिंग को निम्नलिखित तरीके से याद किया जा सकता है, कैसे, आप जानते हो कि बी बी रॉय और ग्रीन ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ठीक है, बीबी रॉय ग्रीन ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये टर्म्स लिख लीजिएगा। अब यहाँ से जो प्रतिरोध की कलर कोडिंग क्या होती है हम निकाल सकते हैं, देखिए, और साथ ही साथ बात करें तो जो कलर कोडिंग होती है वो जनरली क्या होती है, उसमें चार बैंड होते हैं, और पहला दूसरा जो बैंड होता है डिजिट के रूप में तथा तीसरा जो बैंड होता है मल्टीप्लायर के रूप में प्रयोग किया जाता है, और जो चौथा बैंड होता है वो गोल्ड हो तो क्या होता है कि जो उसका प्लस
माइनस जो 5% यदि सिल्वर हो और क्या हो 10% क्या हो, तो यदि कोई बैंड उपस्थित ना हो तो इस केस में क्या होगा, उसका जो टॉलरेंस होगा वो 20% के लगभग हो जाता है। इसका यदि हम कंक्लूजन निकालें तो यहाँ पे जो उसका राइट आंसर होगा आपका नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो प्रतिरोध हैं आर वन एंड आर टू, मतलब दो प्रतिरोध आर वन एंड आर टू विद्युत स्रोत से इलेक्ट्रिक मतलब ईएमएफ से पैरेलल में जुड़े हैं, तो आर वन का मान आर टू से 4 गुना है और आर वन में कितनी विद्युत करंट फ्लो होगी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। यहाँ पे आपको बिल्कुल आराम से देखिए क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है कि दो प्रतिरोध हैं आर वन और आर टू जो कि किसमें भाई कनेक्ट हैं। अब देख करके इसको देख लेते हैं, तीन वही दोनों क्या हैं, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हैं। अब कह रहा है कि आर वन क्या है आर टू से 4 गुना, कितना 4 गुना है, तो आर वन में इस आर वन में करंट आई की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो इस केस में आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो क्या हो जाएगा आर वन क्या है ये 4 गुना ज़्यादा है आर टू, ठीक है आर टू से क्या है 4 गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि आर टू इज इक्वल टू हो जाएगा आर वन अपान 4 का कंडीशन बना सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि करंट प्रतिरोध के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है भाई, क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई निकल के आपका क्या आएगा आर वन अपान आर टू के इक्वल टू क्या हो जाएगा आई टू अपान आई वन हो जाएगा ना, तो इस केस में क्या होगा कि आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा नंबर डी होगा कि आर टू की 1/4, मतलब नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि आपकी यूपी आरवीएनएल TG2 इलेक्ट्रिकल में क्वेश्चन आया हुआ है कि स्मोक एसिड बेस ATC हैव निगलिजिबल इफेक्ट ऑन, धुआं अम्ल क्षार इत्यादि का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किस पे प्रभाव नहीं पड़ता भाई, TRS वायर पे, VIR वायर पे, फ्लेक्सिबल वायर पे और लेड सेथेड वायर पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है, तो यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो देखो धुआं अम्ल क्षार इत्यादि का शीशे से लिपटी जो तार होती है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा दिए गए TRS तथा VIR तार का लचीले तार पर प्रभाव क्या होता है पड़ता है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा मित्रों वो क्या होगा नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि टू वायर्स हैविंग बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर अपॉन टू इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ दिस पैरेलल कॉम्बिनेशन, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम, दो तार हैं जिनका प्रतिरोध आर है उन्हें फिर से किसमें कनेक्ट किए भाई पैरेलल में क्रम में जोड़ा गया है, इसी कंपोनेंट में क्या होगा कि एक आर बाई टू प्रतिरोध का तार श्रेणी में जोड़ दिया जाता है, तो कुल प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए यदि आप यहाँ पे सर्किट ड्रॉ करोगे तो कुछ इस तरह से सर्किट ड्रॉ हो रही है, मतलब दो वायर क्या है पैरेलल में है और यहाँ पे एक सीरीज जस्ट इसके सीरीज में कनेक्ट हो जा रहा है, जो उसका मान क्या है आर बाई टू है, तो ये आपको निकल के आ रहा है, यहाँ से आपको इक्विवेलेंट प्रतिरोध का मान कुल प्रतिरोध की मान आपको निकालनी है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की देखिए ज़रूरत नहीं है, यदि हम इसको इस तरह से समझें। ठीक है, इसको हम क्या करें ऐसे पैरेलली कनेक्ट करा दें और इसके साथ ये सीरीज में कनेक्ट करा दें, तो ये क्या है आर आर है मतलब दो रेजिस्टेंस है और ये क्या है आर बाई टू है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/R हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं ना आर बाई टू। ठीक है, तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब ये पैरेलल वाला सॉल्व होगा तो कुछ इस तरह से सर्किट बन के आएगा, मतलब आर बाई टू प्लस आर बाई टू हो जाएगा, क्यों ये सीरीज में है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा
2R बाई 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 2 2 से खत्म हो जाएगा, मतलब R आएगा इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R होगा, नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि रेजिस्टेंस ऑफ 250 वोल्ट, ठीक है, क्या है कि रेजिस्टेंस ऑफ 250 वोल्ट 100 वाट लैंप विल बी, ठीक है, 250 वोल्ट और 100 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। इसका यहाँ पे देखिए चार ऑप्शन है, यहाँ पे आपको इस लैंप का प्रतिरोध निकालना है। यूपीपीसीएल 2016 में TGT एग्जामिनेशन में आया, साथ ही साथ RRB कहाँ पे, भुवनेश्वर में आया हुआ एग्जाम है 2009 में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलते हैं, बिल्कुल आपको कुछ करना नहीं है। देखिए करना क्या है, आप जानते हो P इज इक्वल टू वी आई होता है, ठीक है, P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप जानते हो कि V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, और यदि आप I की बात करेंगे तो V अपान R होता है, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि जो आपका P इज इक्वल टू वी आई, इसको मान लेते हैं हम क्या, इक्वेशन नंबर वन, देखिए इसे राइट डाउन करते रहिएगा, ठीक है। तो P को क्या करते हैं, V इंटू आई कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर वन कर लेते हैं, और क्या कर लेते हैं, I इज इक्वल टू वी अपान आर, इसको करते हैं इक्वेशन नंबर टू कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर टू की इक्वेशन नंबर वन में क्या करेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे भाई, आई की वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक में रख पी, मतलब नंबर वन में रखेंगे, तो पी इज इक्वल टू वी आई था, तो वी इंटू क्या हो जाएगा, वी बाई आर हो जाएगा। अब यहाँ से यदि हम सॉल्व करेंगे तो पी इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, वी स्क्वायर बाई आर, ये भी एक फार्मूला ही आपका डिराइव होके निकल के आता है। तो यहाँ पे यदि आप निकालोगे, R की वैल्यू पूछ रही है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, वी स्क्वायर बाई पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वी स्क्वायर आपका क्या दिया हुआ है, 250 इंटू 250 हो जाएगा, के अपान क्या हो जाएगा, 100, पावर कितना है भाई, 100 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे मित्रों, तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका नंबर सी, आपका राइट आंसर निकल के आएगा 625 ओम, कितना 625 ओम, राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बी ऑप्टेन विथ देयर रजिस्टर ईच हैविंग द रजिस्टेंस आर, आर प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि आर प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोध के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं भाई। अब ये भाई आप किस तरह से बना सकते हो, देखिए पहला तो हो जाएगा भाई सीरीज में, ठीक है, तीनों को ऐड कर दीजिए, ये जो रेजिस्टेंस है आर आर आर, थ्री रेजिस्टेंस हो गए, पहला कनेक्शन सीरीज हो गया। अब तीनों को हम पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, अब इनको इस तरह से पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या कहलाता है, ये जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है, आता है भाई आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो नंबर टू क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दो को सीरीज में रखेंगे और इसी के जस्ट सापेक्ष एक क्रॉस क्या करेंगे कि एक को पैरेलल में रख लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, दो को पैरेलल में रखेंगे और एक को सीरीज में रख लेंगे, ठीक है, ये भी थ्री रेजिस्टेंस है। कहने का मतलब कि यहाँ पे हम चार तरीके से, ठीक है, कितने तरीके से, चार तरीके से हम तीन रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो नंबर बी आपका राइट आंसर होगा मित्रों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर आइडेंटिकल रजिस्टर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन एज कंपेयर्ड टू द सेकेंड कॉम्बिनेशन विल बी, चार समरूप प्रतिरोध को पहले समांतर में और फिर श्रेणी में जोड़ा जाता है, तो पहले संयोजन का परिणामी प्रतिरोध दूसरे संयोजन के परिणामी प्रतिरोध से कितना गुना होगा, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए होगा क्या कि देखिए पहले जो चार हैं उनको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए आपका होता है फार्मूला 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके 1/R4 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यह आपको R इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, आपका ये निकल के आएगा 4 अपान
सॉरी 4/r निकल के आएगा कि नहीं निकल के आएगा, इस पैरेलल को सॉल्व करोगे? चलो ठीक है, तो 4/r निकल के आएगा, या हम इसको कह सकते हैं r/4, ठीक है, ये आपका पैरेलल निकल के आता है। और यदि सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में क्या हो जाएगा भाई, r1 + r2 + r3 + r4 हो जाएगा, इस तरह से होगा। तो इस केस में क्या होगा मित्र, कि आपका जो राइट आंसर मतलब यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा सीरीज में वो हो जाएगा 4r हो जाएगा ना। तो इस केस में अब क्या करें कि पहला का परिणामी संयोजन क्या कर रहा है प्रतिरोध के दूसरे परिणामी के प्रतिरोध के क्या होगा, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि आपका RP/RS हो जाएगा, मतलब पैरेलल अपान सीरीज, जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा R/4 K/4R हो जाएगा ना। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर निकल के आता है मित्रों वो आता है नंबर ए 1/16 टाइम, कितनी टाइम, 1/16 टाइम आपका राइट आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कि 3 ohms रेजिस्टर आज कनेक्टेड टू फ्रॉम अ ट्रायंगल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू ऑफ द कॉर्नर्स, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 3 ohm के प्रतिरोध को एक त्रिभुज के रूप में, कैसे भाई, देखिए कुछ ऐसे ऐसे कनेक्ट हैं, ठीक है, ऐसे कनेक्ट हैं कुछ इस तरह से, हमने क्या किया त्रिभुज के रूप में, तो यहाँ पे बोला किन्हीं दो कोनों पे, चाहे ए बी, नोट पहले बना लीजिए, ए बी सी बना लीजिए, चाहे ए और बी, चाहे बी और सी, किन्हीं दो के बीच में, दो कोनों के बीच में प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन को देखिए, समझने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, इसको आप क्या करिए कि यहाँ पे आप पहले इसको सीरीज में कर लीजिए, मतलब सीरीज करके जोड़ लीजिए, ठीक है, उसके बाद पैरेलल करके जोड़ लीजिए, तो उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो राइट आंसर आएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर जो आपका आएगा नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों यहाँ पे, कि 2 ohm आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कि 3 identical रजिस्टर आर मस्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, एंड देन इन सीरीज, पहले आइडेंटिकल जो रजिस्टर है उसको कनेक्टेड है पैरेलल में एंड सीरीज में, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन टू द सेकेंड विल बी, 3 समान प्रतिरोध पहले समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और तीन और उसके बाद श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं को दूसरे के साथ संयोजित करने पड़े, मतलब कहने का मतलब ये है कि पहले आप समांतर में पैरेलल निकालो फिर सीरीज में निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो कितना गुना उसका राइट आंसर आएगा। तो ये भी बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल कुछ सोचने की देखो जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल आराम से सॉल्व करना है। और यदि राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों तो राइट आंसर जो निकल के आएगा आपका वो क्या निकल के आएगा, नंबर बी आपका राइट आंसर निकल के आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर अ कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर कलर कोडेड विथ ग्रीन ब्लैक गोल्ड एंड सिल्वर स्ट्रिपेड, इस जो उसका स्ट्रिप है वो क्या है, ग्रीन है, ब्लैक है, गोल्ड है और सिल्वर है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस आर, एक कार्बन संयोजी प्रतिरोध हेतु प्रतिरोध को हरा काला सुनहरा रजत रंगों की पट्टियों में बाएं से दाएं संयोजित किया गया है, तो प्रतिरोध तथा टॉलरेंस क्या होंगे क्रमशः बताइए। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे यदि इसका राइट आंसर की बात करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल वीवी जो मैंने आपको बताया वीवी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, उससे आप निकालिएगा तो बिल्कुल निकल जाएगा आपके यहाँ पर राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, नंबर सी आपका राइट आंसर होगा मित्रों, 5 ohm 10% होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे, द सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल चेंजेस इन अ क्लोज सर्किट इज 0 to स्टेटेड लॉ इज कॉल्ड, ठीक है, एक बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तन का योग 0 होता है, तो यहाँ पे किसका नियम था भाई, देखिए कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है हमें, आई थिंक आप बता ले जाओगे, तो ये किरचॉफ्स के द्वितीय नियम को फॉलो करता है। द्वितीय नियम क्या था भाई, ये था आपका किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ कहलाता है, तो नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि
द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सोचना ही नहीं है। तो यहाँ पे यदि राइट आंसर देखो, चार ऑप्शन है, लेंथ ओनली, क्रॉस सेक्शनल एरिया ओनली, बोथ लेंथ एंड क्रॉस सेक्स एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डी क्या है, वॉल्यूम है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो नंबर सी आपका राइट आंसर होगा भाई। ये जो होता है बोथ पे लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे काम करता है। तो इसके लिए फार्मूला आता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है। तो लेंथ एंड एरिया दोनों पे निर्भर करता है क्या, ये प्रतिरोध का, क्या चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोल्डरिंग लगाने का क्या प्रयोजन होता है। सोल्डरिंग मतलब जोड़ों पर टाका, सोल्डरिंग लगाने पर क्या प्रयोजन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि कंडक्टिविटी बढ़ाना, मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना, डक्टिलिटी बढ़ाना, तन्यता जिसको तो कहते हैं, और उसके बाद क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बढ़ाना। ठीक है, तो यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर आपका नंबर बी आपका राइट आंसर निकल के आता है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट पासेस थ्रू अ बकेट फुल ऑफ वाटर, लॉट ऑफ बबलिंग इज ऑब्जर्व एट बोथ द डिपिंग वायर। ठीक है, दिस इज सजेस्टेड दैट द टाइप्स ऑफ सप्लाई इज, पानी भरी बाल्टी से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब दोनों ही डूबे हुए तारों के पास काफ़ी बुलबुले देखे जाते हैं। इससे पता चलता है कि सप्लाई भक्का जो टाइप है, जो किस्म है, किस प्रकार की है, एसी सप्लाई है कि डीसी सप्लाई है, कि एनी ऑफ दीज इसमें से सब हैं कि नॉन ऑफ दीज इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या होगा, नंबर बी होगा, जब डीसी होगी भाई तभी ये बबलिंग होती है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा आज का। तो बिल्कुल, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड कीप सपोर्ट फ्रेंड, कीप शेयर एंड कीप सब्सक्राइब चैनल ऐसे ही पावरफुल वीडियोज पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।